कहा जाता है नर सेवा ही नारायण सेवा है, जिसके चलते आज गोवर्धन क्षेत्र के ऐसे समाज सेवी जो हमेशा जनता के हित में कार्य करते हुए नजर आते हैं। जी हाँ, हम बात करते हैं समाज सेवी श्याम सुंदर मिश्रा जी की। उन्होंने पूर्व में भी कई बार समाज हित में कार्य सेवाओं के माध्यम से अपना नाम समाज सेवियों की लिस्ट में सबसे ऊपर दर्ज करा लिया है, जिसके चलते आज श्याम सुंदर शर्मा द्वारा गोवर्धन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर अपना इलाज कराने आए बीमारियों की गर्मी के कारण होने वाली सुविधाओं को देखते हुए 5 पंख के दान किए, जिसकी जानकारी देते हुए चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर नेहा चौधरी ने मीडिया की टीम को बताया कि मीडिया ने समाज से भी श्याम सुंदर शर्मा से बात करते हुए कहा कि यह प्रेरणा मुझे उनके मित्र विष्णु रावत ने दी है। वह मुझे समय समय पर जरूरतमंद स्थानों से अवगत कराते रहते हैं। पूर्व में भी प्राथमिक विद्यालय, मंदिर, हॉस्पिटल इत्यादि विभिन्न प्रकार के उपकरण इनके द्वारा दान किए गए हैं। उन्होंने सारा श्रेय गिरिराजी को दिया। उन्होंने कहा कि मैं करने वाला कोई नहीं हूँ, यह सारा कार्य तो गिरिराज जी करते हैं। वह किसी न किसी को अपना मीडिएट बनाकर भेजते हैं। और यही नहीं, श्याम सुंदर शर्मा द्वारा क्षेत्राधिकारी गोवर्धन कार्यालय में भी उन्होंने 3 पंखे लगवाने के लिए दिए, जिससे कि बाहर से आने वाले फरियादियों को गर्मी की समस्या का सामना न करना पड़े। इस कार्य को क्षेत्राधिकारी गोवर्धन राम मोहन शर्मा ने इस कार्य को सराहनीय कार्य भी बताया है। यहाँ पे पंखे दान किए गए, इसके बारे में क्या कहेंगे और जनता से क्या अपील करना चाहेंगे सर? असल में आज जो है पल्स पोलियो उन्मूलन का कार्यक्रम था, इस वर्ष का शुभारंभ का कार्यक्रम जो साप्ताहिक 1 सप्ताह के लिए चलना है। उसमें जो नगर पंचायत की नर्मदा अध्यक्ष हैं श्रीमती प्रभा डॉक्टर साहब के सहायता साधन में उन्होंने जो है इसका कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, बच्चे को पोलियो की ड्रॉप लाकर। इसी के अवसर पर यहाँ आए थे। अभी हमारे एक मित्र हैं श्याम सुंदर मिश्रा जी, राधाकुंड के रहने वाले, बहुत सेवा वाले हैं। उन्होंने हॉस्पिटल की उपलब्धता आवश्यकता को देखते हुए 5 पंखे यहाँ लेबर रूम के लिए और अन्य जगहों पर लगाने के लिए भेंट की है। श्याम सुंदर मिश्रा जी पहले भी यहाँ हॉस्पिटल के लिए उपलब्ध रहते हैं, पहले भी 10 पंखे, हीटर, गीजर ये सब व्यवस्थाएँ करते रहते हैं। सेवाभावी मन है और उद्देश्य भी हर किसी का ये होना चाहिए, जिसके पास जैसे भी संसाधन हो सार्वजनिक स्थानों पर जो कमियाँ दिखती हैं उनका करना चाहिए। यही हम आभार भी कर सकते हैं। और नगर पंचायत के माध्यम से मैं अपनी जो अध्यक्ष महोदया है उनके माध्यम से भी मैं ये कमिटेड करता हूँ कि यहाँ के हॉस्पिटल के लिए जिस किसी भी आवश्यकता की जरूरत होगी उसके लिए हम नगर पंचायत के माध्यम से हर समय तैयार हैं। मैडम, जैसा कि आज समाज सेवी द्वारा यहाँ पंखे भेंट किए गए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी? यही कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ फार्मासिस्ट विष्णु रावत जी हैं, जिनको जिनके द्वारा यहाँ समाज सेवियों को बुलाकर अस्पताल की जो ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा कराया जाता है। अभी जैसे हमें 5 पंखों की आवश्यकता थी तो हमने विष्णु रावत जी को बताया, तो उन्होंने एक समाज सेवी सुंदर मिश्रा जी से 5 पंखे इस अस्पताल को भेंट कराए। पहले भी सुंदर मिश्रा जी इस अस्पताल को आवश्यकता अनुसार पंखे, हीटर, गीजर भेंट कर चुके हैं। जैसा कि मिश्रा जी आपने यहाँ पे पंखे जरूरत अनुसार पंखे दान किए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे और ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? ये मैं शुरू से ही करता आ रहा हूँ और विशेषकर जैसे कि मेरे साथी हैं विष्णु रावत, इन्होंने मुझे बताया कि और पहले भी इस हिसाब से मैं अपना यहाँ करता रहा हूँ पंखे का, और आज मुझे बताया कि लेबर रूम में पंखों की रिक्वायरमेंट है और वो पर्टिकुलरली वाइट कलर के पंखे, तो 3 लेबर रूम में वाइट कलर के व 2 पंखे और थे, तो 5 पंखे की रिक्वायरमेंट बताई जो कि मैं दे रहा हूँ पूर्व की भांति, पहले भी पीछे भी मैं दे चुका हूँ।